आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमने इससे पहले वीडियो में क्रिया विषय वस्तु को पढ़ा था। आज हम विशेषण जो हमारे व्याकरण का प्रमुख विषय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान करेंगे, विशेषण हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और अब भी हम वापस उसी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हमने बोर्ड पर पहले एक उदाहरण लिया हुआ है, उसको देखेंगे कि ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ताजमहल एक इमारत का नाम है जो व्यक्तिगत है। ताजमहल बहुत जो सुंदरता को ज़्यादा बताने के लिए प्रयोग किया गया है, सुंदर शब्द विशेषण शब्द है और इमारत जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर मैंने ताजमहल के नीचे विशेष्य लिखा, बहुत शब्द के नीचे प्रविशेषण लिखा और सुंदर के नीचे विशेषण लिखा। तो हम मूलतया तो विशेषण पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषण से जुड़े हुए ये दो बिंदु और भी हैं, तो हमें इनको भी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इसमें क्या भूमिका निभाते हैं। तो हम विशेषण पढ़ रहे हैं। अब विशेषण होता क्या है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये हम सब जानते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम पदों की विशेषताओं को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को इस प्रकार से लिपिबद्ध किया गया है, संज्ञा व सर्वनाम पदों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द एक सामान्य वस्तु को दूसरी वस्तु से पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा बिंदु अपना है यहाँ पर विशेष्य, जो कि विशेषण से जुड़ा हुआ है। अधिकांश लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि विशेषण और विशेष्य लगभग समान है या एक ही है, लेकिन दोनों ही भिन्न चीज़ें हैं। विशेष्य वे शब्द या पद होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम खुद होते हैं और विशेषण के साथ में ये प्रयुक्त होते हैं। तो इसकी परिभाषा के तौर पर इसको हम कहें तो ये परिभाषा इस प्रकार से कही जा सकती है कि विशेषण शब्दों के द्वारा जिन पदों की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब जिन पदों का मतलब संज्ञा और सर्वनाम। तो दिए गए इस वाक्य में जो हमारी संज्ञा है ताजमहल, ये ताजमहल ही अपने आप में विशेष्य है, ये संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य पद कहलाते हैं। तीसरा पद है प्रविशेषण। कभी कभी भैया गलती से या ना समझी से विशेषण और प्रविशेषण को एक ही मान लेते हैं और दोनों की परिभाषा एक ही मिलती जुलती लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है तो दोनों विशेषण लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। जहाँ किसी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए वाक्य में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग भैयाओं के द्वारा या भैया जी के द्वारा या किसी आम व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जो पद या शब्द ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है वाक्य में, वे ही प्रविशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, यदि इसे मैं इस बहुत को हटा दूँ और कुछ समय के लिए इसको हटा दे, ताजमहल सुंदर इमारत है, तो भी सुंदरता ताजमहल की वही है। और दूसरी बार पढ़ेंगे कि ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो बहुत शब्द लिख देने से भी ये इसका मतलब नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा सुंदरता में वृद्धि हो गई है, बात वही है, लेकिन उस बात को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और जो अतिरिक्त शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वही प्रविशेषण होते हैं। तो विशेषता के तौर पर, विशेषण परिभाषा के तौर पर मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण है। ये हुई विशेषण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं की बातें। इसके आगे पढ़ते हैं विशेषण के भेद। हम व्याकरण की पुस्तकों में कहीं पर चार विशेषण मुख्यतः पढ़े जाते हैं, लेकिन
अधिकांश पुस्तकों में विशेषण के पांच भेद पढ़े जाते हैं। बड़ी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं या उच्च कक्षाओं में शिक्षण के लिए पढ़ते हैं वहाँ पर हमें लगभग चार विशेषण देखने को मिलते हैं। तो विशेषण के भेद यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। ध्यान रखना है परिमाण शब्द है, परिणाम नहीं है। परिमाण का मतलब है क्वांटिटी और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर रिजल्ट से संबंध नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब है। तो परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिकी विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ये चौथा विशेषण का भेद है। और पांचवा और अंतिम आता है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। इन्हीं विशेषणों को अब हम आगे क्रमशः बारी बारी से एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा विशेषण का भेद वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न माना जाता है या होता है। तो गुणवाचक, गुण का मतलब होता है उसकी विशेषता, उसका रूप रंग आकार स्थिति दशा दिशा अवस्था स्थिति आदि का संज्ञा के बारे में जिन पदों के द्वारा बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष रंग आकार अवस्था स्थिति स्वभाव दशा दिशा गंध स्वाद आदि का बोध करवाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने तीन शब्द लिए हैं जिन्हें वाक्य में पिरोया जा सकता है कि जो मैंने ये कमीज पहना है ये कमीज मेरा पुराना है, तो मैं कहूँगा यह मेरा पुराना कमीज है। तो ये कमीज क्या हुई, एक संज्ञा हुई। पुराना शब्द क्या हुआ, इसकी विशेषता बतलाने वाला हुआ कि ये पुराना कमीज है, इसका मतलब नया कमीज भी होता है। दूसरा शब्द है काला कुत्ता। कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, भूरे होते हैं, चितकबरे होते हैं। तो काला कुत्ता हम कह सकते हैं वाक्य में कि काला कुत्ता काटता है, सफ़ेद कुत्ता नहीं काटता है। तो ये काले कुत्ते की विशेषता, उस कुत्ते की विशेषता होगी जो काले रंग का कुत्ता है वही काटता है, सफ़ेद रंग का कुत्ता नहीं काटता है। मीठा आम, इसका भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि तोतापुरी आम बहुत मीठा होता है, यानी अन्य आम जो हैं ये अन्य आमों की जो किस्में हैं शायद उसमें खटास होती होगी, शायद वो इतने मीठे नहीं होते होंगे, इस कारण से तोतापुरी जो आम है वो बहुत मीठा होता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी मिठाई के कारण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में विशेषता बतलाने के लिए कुछ संख्यावाचक शब्दों का इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है, उनके कारण उन संज्ञा और सर्वनाम पदों की संख्याओं के बारे में बोध होता है। लिखा हुआ है इसमें जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, संख्या संबंधी यानी संख्याओं का बोध हो। अब संख्याएं हम जानते हैं कि दो प्रकार की होती हैं, यानी इस विशेषण के यहाँ पर हम दो भेद यहाँ पर देख रहे हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, यानी निश्चित जो कह दिया वो फिक्स है कि मेरे पास 10 रुपए हैं तो 10 ही हैं, कक्षा में 10 भैया बहने बैठे हैं तो 10 ही बैठे हैं, ये निश्चित है। 10 आदमी 50 रुपए 12 केले, एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो दर्जन में 12 केले ही होते हैं, वो निश्चित है, 13 नहीं होते हैं या 10 भी नहीं होते हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे सैकड़ों लोग, रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। अब सैकड़ों 100 भी हो सकते हैं, वो 500 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, ये एक अनुमान है, अनिश्चितता का बोध करवाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए, हताहत हुए। दूसरा है कुछ पैसे, मुझे आज कुछ पैसों की आवश्यकता है क्योंकि आज मेरे पास में नहीं है, तो कुछ पैसे, अब कुछ कितने, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1000 लाख कितने, तो यह अनिश्चितता का बोध हो रहा है। लाखों लोग, नेताजी की भीड़ में लाखों लोग आए थे, अब पता नहीं किसने गिने, वो लाखों आए या हजारों आए, लेकिन कह दिया लाखों आए। तो हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक, संख्यावाचक हो गया, इसमें दो प्रकार की संख्याएं होती है, निश्चित और अनिश्चित, इसका बोध हमें लगभग हो चुका होगा। तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाण यानी क्वांटिटी मात्रा।
वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप या तोल के बारे में हमें बोध करवाते हैं या उसकी विशेषता को बतलाते हैं, ऐसे शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब मात्रा भी निश्चित और अनिश्चित होती है, मैंने यहाँ पर दोनों का एक एक रूप लिया है, दोनों के भेद तो नहीं किए हैं, लेकिन मात्रा निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। यहाँ पर हम जैसे थोड़ा दूध दीजिए, अब ये मात्रा के बारे में बता, थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध कितना, उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, एक अनिश्चितता का ये बोध करवाता है, जिसको नीचे हमने अंडरलाइन कर रखी है, थोड़ा थोड़ा यानी गिलास आधा गिलास, लोटा आधा लोटा, लीटर आधा लीटर, पाव कितना, कोई मात्रा निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है मात्रा के संबंध में। दूसरा बताया है, रामू के खेत में 5 क्विंटल पैदा हुए। रामू जो कि व्यक्ति है, करता है, और 5 क्विंटल गेहूँ, गेहूँ यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर उसकी एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 5 क्विंटल उसके गेहूँ खेतों में 5 क्विंटल गेहूँ पैदा हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुए। अगला आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। जैसे वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा की ओर संकेत करते हुए विशेषता प्रकट करते हैं। मूलतया ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण के तौर पर इनका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, और ये अक्सर वस्तुओं की तरफ या संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हुए हैं कि यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, यह लड़की जो हमारे सामने है उसकी तरफ हम इशारा करके कह रहे हैं कि यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, इसका मतलब इसका दिमाग तेज चलता है, अपनी बुद्धि का सही ढंग से ये इस्तेमाल करती है दूसरों की तुलना में, इसलिए यहाँ पर बताया यह। उस दूसरा शब्द आया उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ। किस देवी को, उस देवी को, उस देवी को मैं आज भी याद करता हूँ, तो ये उस शब्द है, ये भी एक प्रतिमा की तरफ इशारा करती है। जैसे एक वाक्य है, यह पंखा धीरे धीरे चलता है, यानी दूसरा पंखा तेज चल रहा है तो यह पंखा धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब यह शब्द जो हुआ वो उसकी तरफ संकेत कर रहा है कि धीमे चलने वाला ये पंखा है। अगला विशेषण का भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। दिया हुआ है कि वे विशेषण पद जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलकर के अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी इसमें 2 संज्ञा पद होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक होता है, साथ में दूसरा भी व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन वह दूसरे की विशेषता बतलाता है, तो 2 संज्ञा पद यहाँ पर एक दूसरे की विशेषता को बतलाता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहा गया है। हम उदाहरण देखते हैं, कश्मीरी सेब बहुत मीठे होते हैं। कश्मीरी, अब कश्मीर एक स्थान का नाम है, और दूसरा यहाँ पर सेब है वो भी एक संज्ञा है, लेकिन बताया है मीठे जो कश्मीरी सेब होते हैं, अन्य स्थानों के सेबों की तुलना में कश्मीरी सेब बहुत ही मीठे होते हैं। दूसरा बताया है, बीकानेरी भुजिया बहुत स्वादिष्ट होती है। नमकीन और भुजिया अन्यत्र भी बनाई जाती हैं, लेकिन बीकानेरी भुजिया की तुलना में अन्य भुजिया इतनी स्वादिष्ट और अच्छी नहीं होती हैं, लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं, इसलिए बीकानेरी भुजिया है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर बीकानेरी शब्द जो बीकानेर से बना है, और भुजिया जो कि एक अपने आप में एक संज्ञा है, तो इस भुजिया का नाम बीकानेर के साथ में जुड़ने से यह बीकानेरी भुजिया कहलाई। दूसरा है बनारसी साड़ियाँ। साड़ी अपने आप में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो साड़ी बनारस की बनी हुई है वह अन्य स्थानों की तुलना में बनी हुई साड़ियों से अच्छी किस्म की होती है और महिलाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए इस साड़ी का नाम बनारस के साथ में जोड़ने से इसकी प्रसिद्धि बढ़ गई, इसे लोग ज़्यादा पसंद करने लगे। इसलिए इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और मेरे भैया बहनों से आग्रह है कि वीडियो देख करके अधिक से अधिक भैया बहन कमेंट करें, कमेंट में अपना नाम और विद्या मंदिर का नाम स्पष्ट लिखें। धन्यवाद।